पर पत्रकार वसीम के साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं रबची लाइव। सीधे नजर खबर पर। बाला साहेब की शिवसेना से ठाकरे परिवार का नियंत्रण समाप्त। जी हां, उद्धव ठाकरे के हाथों से छिन गई पिता की विरासत। हालांकि ऐसा कहा जाता रहा है कि पिता की विरासत पर बेटे का हक होता है, लेकिन राजनीति में पिता की विरासत पर बेटे का ही हक होगा ये जरूरी नहीं है। राजनीति में सारा काम बहुमत से होता है। यहाँ जिसके पास बहुमत वे राजा और जिसके पास नहीं वे रंग। वैसे आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को करारा झटका देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के धड़े वाली शिवसेना को असली शिवसेना माना है। आयोग ने कहा है कि पार्टी का नाम और चिन्ह धनुष तीर शिंदे गुट के पास रहेगा। चुनाव आयोग ने 77 पेज का फैसला बहुमत परीक्षण के आधार पर किया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के कुल 67 विधायकों और विधान परिषद सदस्यों में से 40 शिंदे गुट के पक्ष में थे। वहीं संसद के दोनों सदनों के 22 सांसदों में से 13 शिंदे गुट के पक्ष में थे। चुनाव आयोग ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आए 55 शिवसेना विधायकों के वोटों में से 76% वोट शिंदे गुट को मिले, जबकि उद्धव ठाकरे के गुट को सिर्फ 23.5% वोट मिले थे। आयोग ने कहा कि मामले में पार्टी संविधान के परीक्षण के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पार्टी ने 2018 में संशोधित अपने संविधान के प्रति जमा नहीं कराई थी। इसके साथ ही आयोग संगठन में बहुमत परीक्षण के आधार पर भी फैसला नहीं दे सकता था, क्योंकि दोनों गुट इसमें अपने अपने संख्या बल का दावा कर रहे थे, जो कि संतोषजनक नहीं लग रहा था। हालांकि आयोग ने साफ कर दिया है कि शिवसेना का चिन्ह धनुष और तीर शिंदे गुट के पास रहेगा, लेकिन पिछले साल शिंदे गुट को दिया गया बाला साहेब जी शिवसेना के नाम और इसे दिए गए चिन्ह दो तलवार और एक ढाल का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। वहीं चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के आधार पर पार्टी के 2018 के संविधान में संशोधन करने को कहा है। इस तरह चुनाव आयोग ने पाया कि उद्धव गुट की पार्टी का संविधान अलोकतांत्रिक है। इसमें लोगों को बिना किसी के चुनाव के नियुक्त किया गया था। आयोग ने यह भी पाया है कि शिवसेना के मूल संविधान अलोकतांत्रिक तरीकों को उचित तरीके से वापस लिया गया, जिससे पार्टी निजी जागीर के सम्मान हो गई। हालांकि इस तरीकों को चुनाव आयोग 1999 में नामंजूर कर चुका था। इसी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना से अब उद्धव गुट की दावेदारी खत्म मानी जा रही है। वहीं ये शिंदे गुट के लिए बड़ी जीत के सम्मान है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रबची लाइव के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।